मैंने शॉट खेली ग्रीन की तरफ और ये राइट के ऊपर जो है ये पेनल्टी एरिया है रेड। तो रेड पेनल्टी एरिया में जब बॉल चला जाए तो उसको उसकी रिलीफ या आगे गेम खेलने के लिए रूल क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि आप उस बॉल को वहीं से खेलें जहां वो पेनल्टी एरिया में पड़ा हुआ है। आप वहां पे लूज इम्पेडिमेंट हटा सकते हैं, मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन हटा सकते हैं, ड्राई स्विंग कर सकते हैं, पानी को या ज़मीन को टच कर सकते हैं और बॉल को जैसे पड़ा है खेल सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको पॉइंट ऑफ एंट्री मार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह मेरी सिचुएशन है, बॉल जो है वो पानी में चला गया है, इम्पॉसिबल है उसको खेलना, लिहाजा ऐसी सिचुएशन में मैंने रिलीफ लेनी है एक स्ट्रोक के साथ। सबसे पहले चीज़ जो है जो मैंने जो निकालनी है वो ये है कि पॉइंट ऑफ एंट्री, मेरा बॉल इस पेनल्टी एरिया में कहाँ से गया था। लिहाजा पॉइंट ऑफ एंट्री मेरी ये बनती है तो मैं रेड स्टेक के साथ और रेड लाइन होती है या नेचुरल फीचर होता है उसके ऊपर जो भी मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री है उसको पहले मैं मार्क करूँगा। पहली रिलीफ है कि जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वहाँ से 2 क्लब लेंथ में मैं नॉट क्लोजर टू द ग्रीन रिलीफ ले सकता हूँ, यानी उस एरिया में ले सकता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ लेटरल रिलीफ। याद रहे कि हमेशा ड्राइवर जो है लॉन्गेस्ट क्लब ऑफ योर बैग जो है उससे मैयर करेंगे रिलीफ एरिया। तो कवर ज़रूर हटाइएगा क्योंकि कवर जो होता है वो एक्स्ट्रा 1-2 इंचेस होते हैं। अगर कोई रेफरी खड़ा हो और आपका बॉल कॉर्नर पर आ जाए तो हो सकता है वो इसकी लेंथ से आपका बॉल बाहर पड़ा हुआ हो। ऐसी सूरत में अगर आपने खेल लिया तो वो बॉल फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस होगा, आपको जनरल पेनल्टी लग जाएगी। सो हमेशा कवर हटा के और डिस्टेंस को मैयर करें, जिस तरह के ये है ग्रीन उस तरफ है, नॉट क्लोजर टू द ग्रीन 1 और ये 2, और उसके बाद मैंने अपना रिलीफ एरिया मार कर लिया। मार करने के बाद घुटने के लेवल से मैंने अपने आप को देख लिया कि मेरा बॉल कहाँ जाना चाहिए और मैंने ड्रॉप कर दिया, मेरा बॉल इस होल के लिए इन प्ले हो गया लेटरल रिलीफ के रूल के मुताबिक। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बैक ऑन लाइन रिलीफ, यानी कि वो ग्रीन है, ग्रीन पे फ्लैग और ये पॉइंट ऑफ एंट्री को मद्देनज़र रख कर स्ट्रेट पीछे जितना मर्ज़ी आप जाना चाहें आप चले जाएँ और बॉल को ड्रॉप करें। बॉल ड्रॉप करने के 2 तरीके हैं बैक ऑन लाइन में। एक तरीका तो ये है कि जैसे ही आप पहुंचते हैं कि मैंने इस जगह पे ड्रॉप लेना है तो बेहतर ये है कि आप मार्क कर लें। मार्क करने के बाद 1 क्लब लेंथ ले लें डिस्टेंस और बॉल को बैक ऑन लाइन ड्रॉप कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप मार्क नहीं करते क्योंकि आप ऑलरेडी पिन से दूर जा रहे हैं, बैक ऑन लाइन जा रहे हैं, जहां पर आपका बॉल इंटर हुआ था उससे पीछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रिलीफ एरिया को मार्क करें और मेजर करें। आप सिंपल जाके आई कांटेक्ट के साथ जो जगह आपको पसंद आती है उधर बॉल गिराएं, जिस जगह बॉल टच करेगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा और यूँ आपका बॉल इन प्ले हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन रेड के लिए विद 1 पेनल्टी स्ट्रोक इज़ के स्ट्रोक एंड डिस्टेंस, यानी वही शॉट जो आपने पहले खेली थी वो पीछे जाकर आप उसको दोबारा खेलें।